हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़
रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को सख्त समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास किए। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा
गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने
दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। कोई बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है, और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोची के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइन 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम
बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्यम अल्बकर्क विक्रांत
स्कीम सह पायलट के रूप में राकुलप्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी नेसा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन राकुलप्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन अमिताभ बच्चन और राकुलप्रीत सिंह बोमन ईरानी अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे
24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में है। प्रथम अधिकारी तन्यम अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है।
फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टूर लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यवसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत
जिस लिन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन, नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में है। प्रथम अधिकारी तन्यम अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना
हिल। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 3.5 में से स्टार 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के ने आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास किए। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइन 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को चरण 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की निश्रेता केसरी ने फिल्म को 5.5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के ने आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोनों क्रूर पूर्व प्रयास किए। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में
39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है, और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जस लिन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन ए फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी।
इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है, और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी की फिल्म के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में
अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि नरन में 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए, जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के ने आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोनों क्रूर पूर्व प्रयास किए। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी।
इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्य को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है, और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन ए फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी
न्यासाम का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए, जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइन 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं।
नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दो धमाके से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोनों क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट
777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्यम अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दो क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन ए फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह बोमन ईरानी अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को
29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन, नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यवसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की
भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के
ने आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए
किया जाना चाहिए, जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है। और आकर्षक या पात्र रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 3.5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दो क्रूर पूर्व प्रयास किए। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइन 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई।
जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की निश्रेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के ने आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया।
जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रह 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रह के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को Amazon प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को
ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को सख्त समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है, और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्रेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी।
कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है, और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरा के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइन 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राहुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशान सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी की फिल्म के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को
हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। कोई बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दो क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेड एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिरा धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइट 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन, नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में हैं। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में बोमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र
वह थी जब उनकी बेटी नेसा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में लॉकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में देवगन अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की तो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राहुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपए हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की, विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई, जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है, और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान टोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत जस लिन रॉयल द्वारा रचित है, जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रनवे 34 अजय देवगन एफ फिल्म्स बैनर के तहत अजय देवगन द्वारा निर्मित और निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2015 में दुबई से कोच्चि के लिए जेट एयरवेज की एक उड़ान की विमानन घटना से प्रेरित है। फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राहुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी, अंगिराम धार और आकांक्षा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। रनवे 34 को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स के रूप में रिलीज किया गया था। इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कम रहा। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो कप्तान विक्रांत खतरांत के रूप में अजय देवगन, स्काईलाइन 777 के कप्तान और अमिताभ बच्चन, नारायण वेदांत AAIB के प्रमुख के रूप में है। प्रथम अधिकारी तन्या अल्बकर्क विक्रांत के सह पायलट के रूप में, राकुल प्रीत सिंह और स्काई लाइन एयरवे कंपनी के मालिक निशांत सूरी के रूप में,
वुमन ईरानी हैं। नीलेश जोसेफ के रूप में अजय शंकर दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म का मूल शीर्षक मेडे था। नवंबर 2021 में अपकमिंग फिल्म का नाम बदलकर रनवे 34 कर दिया था। फिल्म के शीर्षक में संख्या 34 को इसलिए चुना गया था क्योंकि अजय देवगन की उम्र वह थी जब उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ था। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें दोहा के से कोच्चि के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रमुख फोटोग्राफी 11 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसे हैदराबाद और मुंबई में फिल्माया गया था। 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण फिल्मांकन कुछ समय के लिए रुका। अगस्त 2021 में अजय देवगन ने दृश्यों को फिल्माने के लिए स्थानों की टो लेने और अंतिम रूप देने के लिए रूस की यात्रा की थी। कथित तौर पर बाद में सितंबर में अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने फिल्म करने के लिए रूस की यात्रा की थी। कुछ हवाई अड्डे के दृश्य फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को लपेटा गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को ईद के त्यौहार के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज हुई थी। इसे 24 जून 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो रनवे 34 ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ का संग्रहण किया जिससे कुल घरेलू सप्ताह संग्रहण 13 करोड़ रुपये हो गया था। 29 मई 2022 तक फिल्म ने भारत में 39.2 करोड़ की विदेशों में 53.77 करोड़ के सकल संग्रहण के लिए 14.53 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 20 करोड़ के ब्रेक इवन के से कम हो गई जिससे यह व्यावसायिक रूप से असफल हो गई थी। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो रनवे 34 को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 को अनुभव दिए किया जाना चाहिए जिस तरह से यह सबसे डरावने में से एक को दर्शाता है और आकर्षक या पात्रों रोमांच और हाल के दोनों में लगभग विनाशकारी विमानन घटना है। ड्रामा इंडिया टुडे की श्वेता केसरी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि रनवे 34 के साथ अजय देवगन के आखिरकार एक निर्देशक के रूप में अपनी जुबान तोड़ी और दोन क्रूर पूर्व प्रयास की। बात करें उनके म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत जसलीन रॉयल द्वारा रचित है जबकि गीत आदित्य शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।